नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में चक्रवाती तूफान तोकते की एंट्री हो गई है और एंट्री होते ही आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से तबाही मचा दी है। आपको बता दें कि राजस्थान के जो दक्षिणी भाग के जिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा तबाही मच रही है। इन जिलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा भी शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सेना को भी उतारना पड़ा है और इससे पहले NDRF की टीमें भी उतार रखी थी, लेकिन दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर नुकसान को देखते हुए अब सेना को भी उतार दिया गया है। अभी हाल ही में उदयपुर में 5 मौत हो गई हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ कि केरल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान तोकते का असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। तोकते के कारण गुजरात सीमा से सटे राजस्थान के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। तोकते तूफान की वजह से ही उदयपुर संभाग के डूंगरपुर जिले में जबरदस्त आंधी तूफान और बारिश हो रही है। उदयपुर संभाग में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सभी लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में कहीं कहीं इस तूफान से ताऊते भी कह रहे हैं और कहीं कहीं इसे तोकते भी कह रहे हैं, कहीं इसका अर्थ छिपकली से भी निकाल रहे हैं। और आपको बता दें कि अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान तोकते ने अब राजस्थान सरकार की सांसें भी फुला दी हैं। राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में इसका ज़बरदस्त असर देखने को मिला है। दोस्तों आपको बता दें कि तोकते तूफान का कहर राजस्थान में सबसे अधिक डूंगरपुर जिले में देखने को मिला है। तूफान की वजह से अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जिले भर में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आया और फिर बारिश का दौर भी शुरू हो गया। बादलों की तेज गर्जना और आसमान में घनघोर काले बादल छाने से अंधेरा पसरा पड़ा है। दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत है जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पर देखने को मिल रही है। आकाशीय बिजली के कारण डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में एक दर्जन से ज़्यादा मवेशियों की अकाल मौत हो गई है और मौसम विभाग ने पहले ही उदयपुर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भी दे दिए गए थे। इन एरिया के अस्पतालों में बिजली, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए विशेष इंतजाम सरकार के द्वारा पहले ही कर लिए गए थे। दोस्तों अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तथा राजस्थान के किस जिले से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं कि अरब सागर में उठा तूफान धीरे धीरे गति पकड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। उदयपुर में भारी बारिश के बाद अब जोधपुर संभाग में भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभाग के पाली, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों के कलेक्टर और SP को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने सेना को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी राजस्थान मौसम विभाग से संबंधित। आगे भी आपको इसी प्रकार की अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल पर आप बने रहें और तुरंत ही बेझिझक होकर आप इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मौसम विभाग से जुड़ी प्रत्येक अपडेट इस चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों चक्रवाती तूफान बहुत ही तबाही मचा रहा है, जिस प्रकार से सोचा था वैसा ही हो रहा है। धन्यवाद।